नमस्कार, आप सभी को दिस इज अ बॉय कार्तिक फ्रॉम डे 3 हमारे वियतनाम ट्रिप का। और लास्ट नाइट वॉज क्रेजी मैन, क्रेजी था, ठीक है। मैं क्या बताऊँ, क्रेजी का मतलब समझ जाओ, ठीक है। तो बिल्कुल नींद नहीं हो पाई और बाहर ही थे, पार्टी कर रहे थे एंड ऐसी बताओ आप। तो अब क्या है कि सिर्फ रात को फिर एक घंटा सो पाए और फटाफट हम निकल के अभी आए हुए हैं कैटबा आइलैंड का जो हार्बर है, ठीक है। तो हैलोंग बे से पहले जो हार्बर होता है हैलोंग में, वहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे कैटबा केबल कार करके, तो हमने एक्स्ट्रा लिया था। नॉर्मली हमारे पैकेज में ये इंक्लूड नहीं है। पैकेज में क्या मतलब कि हमने कैटबा एक्सप्रेस करके बस ले लिया था। इसने अपने हनोई के हॉस्टल से उठाया और सीधा कैटबा आइलैंड तक ले जाया, बट बीच में उसने बोला था कि ऐसा केबल कार का बढ़िया सिस्टम है, तो हमने कहा कि चलो ट्राई कर लेते हैं। तो पर पर्सन 1,00,000 VND लगा। तो अभी फिलहाल हम लोग वही करने जा रहे हैं एंड आई होप इट्स प्रीटी गुड बिकॉज द डे इज़ ब्यूटिफुल। बहुत ही बढ़िया धूप चल रही है और मज़ा आएगा यार। मतलब क्योंकि हैलोंग बे का मतलब असली जो सुंदरता है उसका तभी मज़ा है जब वो बढ़िया सा धूप निकले, क्योंकि वो वाटर्स पे सही दिखने लगते हैं। ग्लूमी डेज पे तब मज़ा नहीं आएगा। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। वेट करा रहे हैं, उसमें चढ़ना है अपने को। कैट हाई स्टेशन, वही चढ़ जाए इसके अंदर। चुप सी, ऊपर चढ़ रहे हैं भाई साहब और वहां से निकले हम। नाइस, वाओ। वो रहा पूरा हार्बर अपना, हैलोंग का हार्बर। एंड ओहो, ट्रॉपिकल वाइब, पूरी ट्रॉपिकल वाइब। भाई आनंद तो फिर भी कैसा रहा, रात का नाम वो मिला पढ़ना दिया बेटे, सही रिवेंज ले लिया तूने। समुंदर है ये, हैलोंग बे, वो देख रहा पहाड़, वैसे ही जाना उसके अंदर हमें। ओ भाई साहब, भाई कहाँ आ गए? गजब भाई गजब। तो गाइस, हमने हनोई से कैटबा जाने के लिए और राउंड ट्रिप के लिए हमने कैटबा एक्सप्रेस, जो सबसे फेमस उनका ऑपरेटर है, बस ऑपरेटर, उससे हमने पैकेज ले लिया था। तो वो पड़ा हमें कुछ 2,200 रुपीज़ का, आना और जाना बोथ इंक्लूडेड, जिसमें आपको वो कैटबा टाउन में उतार देगा, हनोई में पिकअप करके आपके हॉस्टल से कैटबा टाउन में उतारेगा। तो क्या रोड बना रखे, देखिए उन्होंने यहाँ पे। हेलीकॉप्टर वाली वाइब आ रही है। जैसे ही आप केबल कार से बस उतरने वाले हो, जैसे इस पॉइंट पे, आपके लिए जो बस है जिसने आपको उस साइड छोड़ा था, वो आपके लिए बिल्कुल बाहर खड़ी होगी। थैंक यू। बस अपनी यहाँ खत्म हुई और यार बहुत ही फाट एक्सपीरियंस, 1,00,000 रुपए में, तो 1,00,000 VND में, इट्स प्रीटी गुड। सीधा का सीधा आप कैटबा आ गए हो बिना किसी चक्कर के। बहुत ही फाड़ एक्सपीरियंस, 10/10 मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आप कैटबा आ रहे हो ना, तो ये वाला केबल कार ले लेना, बहुत ही सुंदर व्यू जैसे आपने देखे। और वी हैव जस्ट अराइव्ड इन कैटबा, यार कॉन्ट्रास्ट। सो अभी फिर हमारी बस आएगी। और क्योंकि कैटबा में ना एक जगह पहुँचोगे तो पूरा घूम के जाना पड़ता है आइलैंड के लिए, आइलैंड में ही वो बहुत बड़ा आइलैंड है। सो अभी वो एक जगह पर छोड़ गए हमें और यहाँ से बस हमें पिकअप करने आएगी और हमें अपना मेन जो टाउन एरिया है, जहाँ मतलब वो सिटी सेंटर है, वहाँ पे ले जाएगा घुमा घुमा के। मैं आपको रास्ते दिखाऊंगा, बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है, फर्स्ट व्यूज आर एब्सोल्युटली अमेजिंग और भगवान ने कृपा कर दी, धूप निकली है, बस चलते बस। हमारी बस फिर से आगे उठाने हमें, यार ये तंग कर रखा है इस बैग ने। देवी और सज्जनों, हम पहुंच चुके हैं कैटबा आइलैंड। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बहुत ही बड़ा आइलैंड है ये, ठीक है। मैप में आपको छोटा सा दिख रहा होगा, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जो अपना हार्बर से जहां पे हम उतरे हैं केबल कार से, वहां से मेन टाउन जाने में, क्योंकि टाउन बहुत साउथ को है,
तो हम नॉर्थ पे उतरे हैं तो पूरा घूम घूम के जाना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे पूरा मरीन ड्राइव है, बहुत ही सुंदर एरिया, जैसे आप देख सकते हो बीच बीच में छोटे छोटे बीचेस हैं और खाली है मोस्टली क्योंकि बीच में सब जंगल है। और इस आइलैंड की खास बात यह है कि मतलब आपने हैलोंग बे में जो टेरेन देखा है ना वैसे ही पहाड़ है बट वो समुंदर की तरफ घुस जाते हैं। तो बस अब हम टाउन सेंटर पहुँचने वाले हैं। सीरियसली मेरे पे वर्ड्स नहीं है, क्या है यार ये, अनरियल ब्यूटी, अनरियल रेडिश टिंट एंड एब्सोल्यूटली गॉर्जियस व्यूज। मैं काश आपको बता पाता कि जस्ट फिल्स माय हार्ट विद जॉय दुनिया की सुंदरता देखकर, एब्सोल्यूटली अमेजिंग। क्या वाइब है भाई कैटबा, क्या वाइब। ब्यूटीफुल, सिर्फ अगर मैं दिखा पाता कि मेरी आंखें क्या देख पा रही हैं, अनरियल ब्यूटी, अनरियल। ऐसा नहीं देखा लाले भाई, देखा तो ना ऐसा सनसेट नहीं देखा भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मैं ना मैंने गोवा में देखा ना मैंने कहीं देखा। दिस इज जस्ट फैबुलस, आई थिंक दिस इज समथिंग अनरियल ब्रो, बहुत ही सुंदर। कैटबा का जरूर लगाओ, हमने भी स्कूटी लेके पूरा आइलैंड छान मार रहे हैं क्योंकि कल है हमारा लाना भी, बट वो भी इतना मीज म्यूजिक हर जगह और बड़े बड़े पहाड़। क्विक अपडेट, तो अभी हम पहुंच चुके हैं कैटबा आइलैंड और बहुत ही सरीन एटमॉस्फियर। एंड इफ यू आर द टाइप ऑफ अ पर्सन हु लव्स क्वाइट बीचेस, मतलब इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, दुनिया भर से लोग हैं, अपने काम से मतलब रख रहे हैं, सुंदर नज़ारे हैं, पहाड़ हैं, एक बे है और बहुत भीड़ भाड़ नहीं है, तो दिस इज़ योर प्लेस। तो अभी हम जस्ट रिफ्रेश होके अभी थोड़ा सा कैफे यहाँ रखें बिल्कुल समुंदर के बगल में, सो अभी दिखेगा नहीं आपको रात को। एंड वी जस्ट लविंग इट, वी जस्ट लविंग द वाइब, काम कोजी एंड यू कुड से ट्रैंक्विल, सो ऐसा प्लेस है। और कैटबा में ऐसा सीन है कि मतलब दो दिन, आई थिंक आई वुड रिकमेंड टू डेज, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शंस मेनली नेचुरल स्पॉट्स ही हैं सारे। एंड डो नॉट एक्सपेक्ट कि क्लबिंग होगा बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है, सब लोग यहाँ पे सिर्फ दे वॉन्ट टू स्पेंड सम पीसफुल टाइम एंड एन्जॉय द नेचुरल सीनरी। जैसे मैंने आपको दिखाया शाम को एब्सोल्युटली स्टनिंग सनसेट्स। तो अभी हमारा प्लान ये है कि कल सुबह भी हम थोड़ा जल्दी उठ के बीच जाएंगे सो दैट वी कैन कैच अप टू द सनराइज। और 8:15 AM को हमारी जो क्रूज़ है लान्हा बे के लिए, बिकॉज लान्हा बे इज़ कंसिडर टू बी वे मोर ब्यूटीफुल दैन हैलोंग बे का जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बिकॉज दैट्स लाइक ओवर पोल्यूटेड एंड यू कुड से अलॉट पॉपुलेटेड उस सेंस में, क्योंकि इस पर टाइम कम होता है वो चले जाता है, सो ऑब्वियसली दे विल कवर अ फ्यू थिंग्स, बट यहाँ पे बहुत अलग है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो That's the plan for today. And अभी फर्स्ट स्कूटी लिया तो हम बस खर्च कर रहे हैं, तो स्कूटी पड़ी हमें 1,20,000 वियतनाम डोंग की पर स्कूटी, ज़्यादा महंगा नहीं है, 300 रुपये समथिंग। और पेट्रोल यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 66 रुपीज़ में, सो ज़्यादा नहीं बैठेगा, आराम से दो दो बंदे शेयर भी कर लोगे तो बहुत बढ़िया। सो आई थिंक इट्स प्रेटी लिट, सीरियसली लिट मोमेंट है और वेरी गुड। रोंडे खेल रहे स्नूकर। हाँ भाई कुछ मारा है इसने आयुष ने कि नहीं, पंडित कैसे रो रहा है, शकल कैसे रो दुड़ी से हो रखी है, क्या थकान है, बस अभी कॉफी पी गए घूमेंगे, ऐसे नहीं होता भाई, हो जाएगा। तो गाइस ये है सुंदर कैटबा आइलैंड का रात का व्यू, बहुत ही सही है माहौल। और हाँ स्कूटी के प्राइजेस मैं बताऊँ तो आप 300, 350, 400 मैक्सिमम पे एक स्कूटी उठा सकते हो, और पेट्रोल बहुत ही सस्ता है 50-60 रुपये का, तो वो भी सेट हो जाएगा मामला। और आपको स्कूटी जो है डायरेक्ट अपने अकोमोडेशन पे जहाँ आप रुके वो भी अरेंज करवा देंगे, सो इट्स प्रेटी कन्वीनियंट।